Hi everyone, please subscribe to my channel to get more such videos and don't forget to press the bell icon to get notified. So, दोस्तों आज मैं आपके लेके आई हूँ साबूदाने की खिचड़ी जो कि हम थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे. इसमें हम मूंगफली का दाना पीस के बनाएंगे ताकि जो साबूदाना है काफ़ी खिला खिला सा बने और बनाते समय ये कढ़ाई में चिपके ना और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है. तो चलिए हम बनाते हैं खिचड़ी. ओके, तो साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए हम पहले साबूदाना भिगोएंगे. तो ये आप देख रहे हो मैंने एक बाउल में रखा हुआ है और इसको हम पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे पानी में क्योंकि इसके ऊपर स्टार्च होता है. तो उसको पानी से अच्छे से वॉश करके और फिर हम इसमें पानी डालेंगे. तो इसमें पानी डाल के इसको हम एक से दो बार अच्छे से वॉश कर लेंगे. तो मैं इसको दो बार अच्छे से वॉश कर रही हूँ ताकि इसका हल्का सा जो स्टार्च होता है एक्सेस स्टार्च वो निकल जाए. उसके बाद हम इसको पानी में भिगो के रखेंगे. तो इसको मैंने अब अच्छे से वॉश कर लिया है दो बार पानी डाल के. अब इसमें हम जो हमने जिस मेज़र से लिया हुआ था साबूदाना उतनी ही बाउल में हम पानी डालेंगे और इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देंगे. तो ये साबूदाना हमारा भीग गया है. इसको हमने 4 घंटे भीगने दिया है. अब ये प्रॉपर भीग गया है. इसको आप देख सकते हैं ये ऐसे फूट रहा है. ठीक है, तो अब हम इसका तड़का लगाएंगे. तो तड़का लगाने के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसमें सामान क्या क्या यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे हम घी से बनाएंगे क्योंकि इसको आप चाहो तो रिफाइंड से भी बना सकते हो लेकिन मैं ये फास्ट के लिए बना रही हूँ तो मैं घी का इसमें यूज़ कर रही हूँ. तड़के के लिए हम जीरे का यूज़ करेंगे, सेंधा नमक और ब्लैक पेपर हम डालेंगे इसमें. फिर हम 2 टमाटर का यूज़ करेंगे और 2 आलू का. और यहाँ पे और हम जो आलू यूज़ करेंगे ये बॉयल्ड आलू है. और हमने यहाँ पे पीनट्स रखे हुए हैं, ये 50 से 60 ग्राम है. इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर हम साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे. तो मैंने जो सारी सब्जियाँ रखी हुई थी, बॉयल्ड आलू और टमाटर रखा हुआ था, इसको मैंने चाकू से कट कर लिया हुआ है. और यहाँ पे मैंने पीनट्स रखे हुए हैं. अब इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे और फिर हम हाफ ऑफ पीनट कर लेंगे. हाफ को हम मिक्सी में हल्का सा पीस लेंगे और हाफ हम साबूदाना में ऐसे डालेंगे. तो पहले हम पीनट्स फ्राई कर रहे हैं. मैंने इसमें हल्का सा घी डाला हुआ है और जो हमारे पास सारे पीनट्स थे 50 से 60 ग्राम इसमें डाल के इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे और फिर हम इसको अलग अलग हाफ ऑफ करेंगे. और इसी टाइम पे ही मैं दूसरी कढ़ाई में अपने साबूदाना का तड़का भी तैयार कर लूँगी ताकि टमाटर और आलू हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले में सेम टाइम में. तो अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ और इसको हल्का सा गर्म करेंगे और फिर उसके बाद में हम साबूदाना का तड़का रेडी करेंगे. तो घी ये गर्म हो चुका है. अब मैं इसमें जीरे का तड़का और साथ ही साथ जो हमने हरी मिर्च रखी थी इसको मैंने लंबी लंबी काटी हुई है और मैं हरी मिर्च को डालती हूँ. इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, जीरा जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे. अब मैं इसमें हल्का सा ब्लैक पेपर डाल रही हूँ. आप चाहो तो आप करी पत्ता भी ऐड कर सकते हो तड़के के टाइम पे. और अब मैं इसमें जो हमने आलू बॉईल रखे हुए थे कटे हुए वो मैं इसमें ऐड करूँगी और उसको मीडियम फ्लेम में इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे ताकि ये हल्का सा रोस्ट हो जाए. याद रखिएगा अभी हमने इसमें नमक नहीं मिलाया हुआ क्योंकि इसमें मैं टमाटर अभी ऐड करूँगी, उसके बाद में हम इसमें नमक ऐड करेंगे. तो मैंने इसमें अभी नमक नहीं डाला हुआ. और इसी के साथ में अब हम अपने पीनट्स देखेंगे जो मैंने रोस्ट होने के लिए रखे थे. पीनट्स ये हो चुके हैं. इसको गैस हम बंद करके इसको थोड़ी देर हम ठंडा करेंगे 1-2 मिनट के लिए और फिर इसको हाफ ऑफ करके हाफ पीनट हम पीस लेंगे. तो ये पीनट हमारे फ्राई हो गए, इसको मैं हाफ ऑफ कर ले रही हूँ और इसको हल्का सा रोस्ट कर लूँगी. और हाफ मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ. इतने मैंने रखे हुए हैं साबूदाना के ऊपर डालने के लिए. तो ये मैंने पीनट इसको पीस लिया हुआ है, मैंने बहुत महीन नहीं किया हुआ है, इसको हल्का सा दो हल्के से टुकड़े इसमें रहने दिए हैं
पिसा हुआ पीनट डालने का एक ये फ़ायदा है कि आपको जो साबूदाना है वो बिल्कुल ही खिला खिला बनेगा और वो कढ़ाई में बिल्कुल चिपकेगा नहीं, जो कि भी आप आगे देखेंगे बिल्कुल ही खिला खिला सा बनेगा। तो हमने जो आलू डाले हुए थे यहाँ पे, ये हमारे ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें जो हमने टमाटर डाला था टमाटर डालूंगी और गैस पर हम थोड़ा सा तेज फ्लेम में करके इसको हम पकाएंगे। बट अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला हुआ है क्योंकि टमाटर काफ़ी पतले से हो जाएंगे, पिस से हो जाएंगे, तो हमें थोड़े से पीछे में चाहिए खिचड़ी में, तो इसलिए मैंने नमक नहीं डाला हुआ है। और इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही पकाएंगे तेज फ्लेम में। तो ये टमाटर जो हमने डाले थे ये पक गए हैं। अब इसके बाद में मैं साबूदाना डालूंगी, पूरा साबूदाना मैंने मिक्सी में डाल दिया है। और इसी के साथ ही साथ जो हमने मूंगफली के दाने पीस के रखे हुए थे वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे, उसके बाद हम बाकी सामान डालेंगे। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं नमक डालूंगी, सेंधा नमक हम ऐड करेंगे। और इसी के साथ में ही मैं इसमें ब्लैक पेपर भी डालूंगी। और जो हमारे पास मूंगफली के दाने बाकी बचे हुए थे वो भी मैं इसमें डाल के और फिर इसको अच्छे से एक बार मिला के इसको मैं थोड़ी देर ढक के रख दूंगी। एक से दो से तीन मिनट इसको ढक के रख देंगे, उसके बाद हमारी साबूदाने की खिचड़ी रेडी है। तो ये देखिए साबूदाना, जो हम साबूदाने की खिचड़ी हमारी रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर मैं धनिया के पत्ते मिला लूँगी और ये अब सर्व करने के लिए रेडी है। इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो साबूदाने की खिचड़ी रेडी है, अब हम इसको सर्व करेंगे। वेरी यम्मी। तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा जैसे हमने बताया, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।